सर जी नमस्कार, मैं नितेश पाटिया बोल रहा हूँ लुधियाना से। हाँ जी सर, सबसे बड़ी जो ना, जैसे हम कहते हैं अगर लड़कियों के पीछे लड़के जाते हैं, उनको टॉल्ट करते हैं, उनको मतलब की दिक्कत करते हैं, उनको चीख मारते हैं, उनके सब करते हैं, तो मतलब की लड़कियों को ही चाहिए थी खुद एक मतलब की उनके सामने आगे कुछ रिएक्ट करे। एक तो डर जाती है ना, वो घर वालों को बताती है। हेलो। हाँ जी हाँ जी। ना वो घर वालों को बताती है और ना ही मतलब की जैसे पुलिस खड़ी होती है, जैसे आजकल तुम वायदा ले रहा हो, पुलिस जगह जगह पर आते हैं, मतलब की लड़कों को या लड़कियों को सब तंग करी थी उनका। तो अगर 300 में देखा जाए क्या लड़कियों को लड़के नहीं छेड़ते हैं, शिकार करते नहीं छेड़ते हैं? हाँ, ये तो जरूरी नहीं है। ये मतलब सबसे बड़ी डिबेट तो यही है, लड़कियों को खुद आगे आना होगा इन चीजों में। अगर वो उनको टॉयलेट क्यों करेगा लड़कों को, हाँ जी, आपका जो नुकता है बिल्कुल क्लियर हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानकी क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने जो दूसरे वो बोल रहे हैं उनका मैं मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया, कुछ गैप्स। वो कह रहे थे कि अगर लड़की के साथ कुछ होता है तो वो अपने घर पे बताए जाए और लोगों को बताए कि हमारे साथ ऐसा बुरा हो रहा है। हाँ। कहीं और पे ज्यादा डिपेंडेंस की क्या जरूरत है? कहीं और के मतलब? मतलब कहीं मतलब उसके लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और जो पहले कॉलर ने कहा, मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे कल्चर में एक्चुअली, अगर उसको कल्चर माना जा सकता है, तो एक्चुअली दिन है जहां पे आप छेड़खानी कर सकते हो। आप अभी भारद्वाज जी कह रहे थे कि लोग डरते हैं, पेरेंट्स के दो तरह के डर होते हैं। एक कि वो डिटेक्टिव एजेंसी एम्प्लॉय करते हैं ये देखने के लिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। ये तो मतलब बेचारे बच्चे के, आप ये कह रहे हैं कि आपके मॉनिटर आपके जो एक्शन हैं, बच्चे नहीं है वो, एक्चुअली देयर एडल्ट्स। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे 22-23 साल के हैं, तो आप ये अज्यूम करते हैं कि क्या कि वो अपने खुद के लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। जिनको आप लायक समझते हैं कि वो नौकरी कर सकते हैं, वो शादी कर सकते हैं, वो वोट डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, गाड़ियां चला सकते हैं, शराब भी पी सकते हैं, मतलब उनकी इस सब की एज हो सकती है, लेकिन वो किसको मिल रहे हैं, इतना बेसिक उनको उस पर ट्रस्ट नहीं है कि वो सही डिसीजंस ले। तो ये तो इन्फेंटलाइजेशन होता है हमारे हमारे यूथ का। उनको एक ही डिसीजन है जो उनको पेरेंट्स को लगता है या समाज को लगता है कि वो नहीं ले सकते। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइन डेज पर हुई मॉरल पुलिसिंग की। शरी जो पहले जान की बात कर रही थी कि जो लड़के लड़कियां 22-23 साल की उम्र में हैं, वो तमाम किस्म के फैसले कर सकते हैं कि नौकरी कहाँ करनी है, कब करनी है, कहाँ पर पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वोट किसको डालनी है, इसके बिना तमाम किस्म के फैसले कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा फैसला है जहां पर माँ बाप से लेके जो मॉरल पुलिसिंग वाली ऑर्गेनाइजेशन है उनको लगता है कि यहां पर उनको मदद करनी चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? सबसे बड़े मेरे लिए मुद्दा यही है, आप कहां तक लेके जाएंगे इस मॉरल पुलिसिंग को? आपने यहां पर तो सिर्फ कह दिया कि जी हम, और हालांकि भारद्वाज साहब एग्री नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपका ग्रुप ना मानता हो, लेकिन मुद्दा हमेशा कल्चर को ही बनाया जाता है कि कहीं पे हमारी संस्कृति पे वार किया जा रहा है। और वेस्ट की तो आपने भी बात की, सिर्फ मल्टीनेशनल की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हर फील्ड में। इसमें एक तो जो ये वाला मुद्दा है कि जब लड़के लड़कियों को कंट्रोल करने की जो बात आती है, उनका आपस में मिलने का जो बात है, इसमें खाप पंचायत से लेके और तमाम सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस हिंदुस्तान में ऐसा काम करती हैं लगातार। मुझे डर ये है कि कहां तक लेके जाएंगे इस बात को। कल को आप कहेंगे पति पत्नी भी हाथ नहीं पकड़ सकते पब्लिक में, परसों आप कहेंगे बर्थडे मनाना भी बंद कर दीजिए, उसके बाद फिल्में तो हम आम रोज कहते हैं कि बंद कर दीजिए, इसमें कोई सीन है जो हमें ऑफेंड करता है। भी शरी जी कानून बने हुए हैं उनके लिए भी, वो भी ऐसे चाहे वो पति पत्नी सड़क के ऊपर ऐसी हरकत नहीं कर सकते। नहीं, हरकत की बात है जो कानून को मंजूर नहीं है। मैं बात ये कह रहे थे अपने जानकी जी, ये बात कर रहे हैं यूथ की जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं। आप जाके देखो आज के दिन के अंदर स्कूलों के बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाके देखिए उनके ऊपर कितना बुरा असर पड़ चुका है चीज का। छोटे छोटे बच्चे इस वैलेंटाइन डे की इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि बिजनेस प्रमोशन में इनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट कर दी जाती है,
इतना इसको बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया जाता है कि बच्चों के ऊपर ऐसा बुरा असर पड़ रहा है, कुछ कहने के बाद ये ड्यूटी किसकी है, पुलिस की है या एनजीओस की है? मेरे हिसाब से तो माँ बाप और टीचर्स की है। लेकिन शहरी हर बार ये देखा गया है कि जब भी ऐसे किस्म में लड़के लड़कियों को मारा पीटा जाता है, जब उनको पार्क से हटाया जाता है, जब कुछ भी होता है, उसमें पुलिस और ये संस्थाएं इकट्ठी जाती है। नहीं बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, माँ बाप का बनता है हक, ये बाहर वाले आकर ठेका ले ना, वही बात की है कि हमने ठेका ले लिया है कि हम मुझे लगता है कि हम इसको हमें एक डिस्टिंक्शन बनाना चाहिए कि कौन सी चीजें हमें एक्सेप्टेबल या नहीं एक्सेप्टेबल लगता है और कौन सी चीजें कानून के तौर पे लीगल या इलीगल है। हाथ पकड़ना, किसी के साथ जाना, वो कानूनी तौर पे इलीगल है या नहीं? वैली की तरफ जाके देखो, चंडीगढ़ की लीगल वैली के अंदर जाके देखो, वहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो आम लोग वहाँ के रहने वाले हैं, उनको वहाँ पे सैर करनी मुश्किल हुई पड़ी है और वहाँ पे ऐसी बुरी हरकतें करते वहाँ पे लड़के लड़कियाँ। आप कहते हो उनको आजादी, आजादी है ऐसी आजादी? वहाँ पे जो वहाँ के रहने वाले जो वहाँ पे सैर करने आते हैं उनका जीना हराम हुआ पड़ा वहाँ पे, देख नहीं पाते। ठीक है, मैं दो चीजें इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि कौन सी चीजें, फर्स्ट कि कौन सी चीजें हैं जिनको इलीगल माना जाए, जो चीजें इलीगल नहीं है, जो कानून के तौर पे गलत नहीं है, उनको हम, उसके बारे में हमारा कोई भी ओपिनियन हो आप बता सकते हैं, उसको आप प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, आप प्रदर्शन ले सकते हैं, आप किसी भी इशू पर प्रदर्शन ले सकते हैं, पर आप लोगों को नहीं रोक सकते हैं। सीधी बात है, आप लोगों को नहीं रोक सकते हैं। अगर आप अपने लड़कों को सड़क में या शहर में घुमाते हैं ये कहने के लिए कि आप लोगों को रोके, तो आप लोगों को एक्चुअली ज्यादा हैरस करते हैं। किसी भी लोगों के, किसी के पास, न पुलिस के पास, न आपके लोगों के पास ये अधिकार है कि वो जाके लोगों को रोके उन चीजों को करने से जो आपको डिस्टेस्टफुल लगता हो, लेकिन वो कानूनी तौर पर मना नहीं है। ये एक चीज बात है, नहीं पर पब्लिक डिसेंसी को कौन डिसाइड करता है, कौन सी चीजें इनडिसेंट है, कौन सी चीजें नहीं डिसेंट है, इस पर बहुत चर्चा हो सकती है। और कोई भी संस्था, इनफैक्ट स्टेट के पास भी यह हक नहीं है कि वो डिसाइड करे कि ये चीजें इनडिसेंट है फॉर ऑल टाइम फॉर एवरीबॉडी, राइट? दूसरी बात इस पर, इस जो अलग दूसरा, आप मल्टीनेशनल के बारे में तब से बोले जा रहे हैं, मल्टीनेशनल्स तो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो प्रभाव के बारे में बोले जा रहे हैं, प्रभाव तो मल्टीनेशनल्स का या हमारे कंज्यूमरिस्ट कल्चर का, मैं मल्टीनेशनल की बात नहीं करूंगी, आज के तारीख में टाटा भी मल्टीनेशनल है और बिरला भी मल्टीनेशनल है, वो हमारे जब वो कोई दूसरा जो अगर वो विदेशी कोई कंपनी को खरीदते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये राष्ट्रीय प्राइड का एक, नेशनल प्राइड का एक मुद्दा है, तो मल्टीनेशनल की बात मैं नहीं करूंगी, मैं कहूंगी कि ये कैपिटलिस्ट कंज्यूमरिस्ट जो हमारा जमाना है उसमें हम कौन से चीजें हैं जिस पर बच्चों के प्रभाव को हम नहीं रोक पाते हैं, हा? उसके बारे में बात कीजिए। अगर फादर्स डे में बच्चे ने कार्ड दे दिया अपने फादर को तो वो कहां से क्यूट हो गया, और अगर उसने किसी को बोल दिया कि आई लव यू तो वो क्यों ऑब्सीन हो गया? जानकी एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, हाँ जी आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्या नाम है? हेलो, हाँ जी सर, मैं यादवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ बठिंडा से। हाँ जी, मैं जी मैडम बैठे हुए हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ, आज तो जे वैलेंटाइन डे की वकालत कर रहे हैं, हाँ जी, कल को जे इंडिया में सेम सेक्स मैरिज की भी वकालत करेंगे, इस बात को अभी यहाँ पे जोर से दबा देना चाहिए। वैलेंटाइन डे अच्छी बात नहीं है, पश्चिमी सभ्यता यहाँ पर लाने की अच्छी बात नहीं है। थैंक यू। वैसे एक बात है कि जो सेम सेक्स की मैरिज है उसके बारे में हमारे देश में कानून बन चुका है, जानकी स्टेल विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है, बड़े जबरदस्त किसी विरोध हो रहा है उसका, विरोध हो रहा है, लेकिन उसमें जो विरोध की बात है, और इवन हमने तो इस बात को ये भी कहा है कि जो जिन्होंने कानून बनाया वो अपने घर के अंदर जो काम करवा के दिखाएं, जे कानून बनाने के लिए विदेशियों को, कि इनके ऊपर वही बात है, विदेशी कानून हमारे यहाँ पे उसमें लागू करने का, उसमें जब बना बनाया इनके पास एक चैप्टर होता है, वहां पे कानून इंग्लैंड का कानून बना हुआ है, वो एकदम हमारे हिंदुस्तान के ऊपर थोपते जा रहे हैं, ये कानून उनके थोपते जा रहे हैं, अपना दिमाग नहीं काम कर रहा हमारे यहाँ पार्लियामेंट का। ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है कि जो आप कानून बना रहे हैं पहले उसको घर पे लागू करके दिखाओ, ये वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। वैलिड वो इसलिए नहीं है कि उनको खुद को नहीं मालूम होता, क्योंकि हमारे आप पार्लियामेंट में देखो कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो उनको वैलिड कुछ बदे जो उनके इंटरेस्ट इनको कानून को लागू करवाने का है, विदेशी कानून लागू करवाने का है, वो आंखें बंद करके हाथ खड़े कर देते हैं, कानून लागू कराते हैं, जब पता चलता है कि मेरे घर के अंदर सेम सेक्स की मैरिज हो रही है तो बचा के
खुद मुंह छुपाते फिरते हैं। इसके बारे में मैं कुछ कहूं, एक तो कि मुझे तो इस बात में बहुत हंसी आ रही है कि आप कह रहे हो कि ये विदेशी कानून है, क्योंकि ये विदेशी कानून नहीं है। बहुत सारे विदेशी कानून है ये अंग्रेजों ने हमारे ऊपर छोड़ा हुआ। हमारी अमेंडमेंट्स जो हो रही है ना, अमेंडमेंट्स हो रही है, आप अमेंडमेंट्स को देखो, हमारी अमेंडमेंट्स हुई कितनी है। अच्छा, ये पहली बात, ये कानून जो हमारे देश में है जिसके खिलाफ जो जजमेंट है वो एक्चुअली वो कानून जो है वो विदेशी कानून है। जो सेक्शन 377 है वो विदेशी कानून है, उसके पहले हमारे पास ये कानून नहीं था। हमारे देश में और बहुत सारे प्राचीन कल्चर्स में, नॉट जस्ट हमारे देश में, ये कोई रोक था ही नहीं। जो गे सेक्स या सेम सेक्स मैरिजेस है या सेम सेक्स होते भी था, में, इसको मानते नहीं है बिल्कुल ही। नहीं, उसमें कोई रोक ही नहीं था और बहुत था। आप हमारे स्टोरीज देखिए, हमारे एपिक्स में देखिए, आप एक स्टोरी बताइए, मैं आपको बहुत सारे घूम घाम के अल्टीमेटली देखिए प्रॉब्लम ये आ गई है कि मुझे जो खतरे की बात लग रही है, आई एम श्योर वेल इंटेंशन मूव है जो आप कह रहे हैं कि हम लड़कियों को बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हैरेसमेंट ना हो, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है। फ्रीडम की बात तो आपने कर दी कि बच्चा अपना फ्रीडम मिसयूज कर रहा है, तो क्या ये दल, आप अपना मत सिर्फ लीजिए, बहुत से ग्रुप्स हैं जो ये कर रहे हैं, क्या वो अपने फ्रीडम को मिसयूज नहीं करते? अपने देश पे प्यार दिखाने के लिए, संस्कृति पे प्यार दिखाने के लिए कपड़े फाड़ रहे हैं लड़कियों के, थप्पड़ मार रहे हैं, जाके मोलेस्ट कर रहे हैं लड़कियों को, और कह रहे हैं जी हम इस, ये हम प्रदर्शन है, दिस इज डेमोंस्ट्रेशन ऑफ लव। तो अगर आप देखोगे ना, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे टेलीविजन दिखाया था, लड़कियों को लड़कियां मार रही हैं, लड़के नहीं मार रहे लड़कियों को, लड़कियों को लड़कियां मार रही हैं और लड़कों को सामने लड़कियों को लड़कियां मार रही हैं, जो उसी ग्रुप के लोग हैं, उसके ग्रुप के लोग नहीं है। विजय जी, मुद्दा ये है कि कोई भी मार रहा है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसको मारने का हक है या नहीं? नहीं, मारने का हक है, अगर आप समाज के अंदर गंद डाल रहे हो तो उसको मारने का हक है। बिल्कुल। किस कानून के तहत मारने का हक है? कानून के तहत नहीं है जी, हमने समाज के अंदर हमने कुछ चेक रखे हुए हैं, पूरे देश के अंदर इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारे देश के अंदर 124 करोड़ लोग यहाँ पे रह रहे नहीं, और 124 करोड़ के पीछे पुलिस नहीं रहती। आप जब ये बात करते हैं, आप मानते हो कि यू आर सिटीजन हु इज बाउंड बाय लॉ? नहीं नहीं, मैं लीगैलिटी में विश्वास नहीं, नहीं, करते हैं आप? मैं आपके सामने देखो, पुलिस वाले खुद कर रहे हैं, वायलेंस को लेजिटिमाइज किया जा रहा है। नहीं, लेजिटिमाइज नहीं किया जा रहा, आप तो ऐसे करोगे, ऐसे करते हो आप, कोई डकैती कर रहा हो, रेप कर रहा हो, तो उसको आप इसका मतलब मारने नहीं दोगे? विजय जी, विजय जी, विजय शहरी जानकी, विजय जी अभी हमारे पास टाइम कम हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुद्दा यहाँ पर इसको रिजोल्व नहीं किया जा सकता। आप इस बहस में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी मुद्दे पर आम राय बनाना आसान नहीं है और जरूरी भी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि संविधान शासित हमारे देश में उन मुद्दों पर हिंसा और जबरदस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे मुद्दे संवाद के जरिए सुलझाए जा सकते हैं। इसी के साथ ही हम आज का प्राइम डिबेट यहीं खत्म करते हैं, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।